सागर जिले के राहतगढ़ के वार्ड क्रमांक 15 के कांग्रेस से पूर्व पार्षद सीतानंद किशोर भारती के मार्गदर्शन में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राहतगढ़ एसडीएम महोदय को अनुविभागीय महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। राहतगढ़ नगर परिषद में 553 की प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची जारी हुई है, जिसमें 313 पात्र हैं, जबकि 240 नगर परिषद द्वारा अपात्र कर दिए गए हैं, जिसमें 313 की पात्र सूची में भी जो अपात्रों के नाम जोड़ दिए गए हैं, जिसमें जिनकी आय 2000 रुपये से 5000 रुपये दिन है, जिनके पक्के मकानों में 5000 रुपये माह का किराया देते हैं, जिनके आगे पक्के मकान पीछे कच्चे मकान ही 6 कमरा 8 कमरा डबल बिल्डिंग है, उनको पात्र कर दिया गया है जिनके नाम काटे जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में से जो 553 में से 240 नाम काटे गए हैं उनके नाम जोड़े जाए, जिनके पटवारी द्वारा 1 या 2 कमरा गार्डर फर्सी, जिनका परिवार संयुक्त निवास करता है, 4 लड़के बहू हैं जो अलग अलग एक ही मकान में निवास करते हैं, उनके आवास सूची में नाम जोड़े जाए क्योंकि वह पात्रता के अनुसार ही अपना आवेदन कर रहे हैं। 2019 में आवास की सूची दी गई जो 553 की थी उसमें से फेरबदल कर दिया गया है। अब वह नाम वार्ड क्रमांक 1 में से 15 तक हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएं। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। आज ज्ञापन किस संबंध में दिया गया? आज जो एडीएम महोदय मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को प्रधानमंत्री आवास योजना जो राहतगढ़ में 553 सूची जो जारी भई थी उनमें से 313 लोगों को पात्र कर दिया गया और 240 हितग्राही जो थे उनको अपात्र कर दिया, और जो 313 हैं उनमें ही संपन्न लोगों को आवास प्रदाय कर दिए गए, जिनके पक्के मकान बने हैं, जिनके पास 4-व्हीलर है, 1,00,000 रुपये बैंक बैलेंस है, जो पक्के मकानों में निवास कर रहे हैं, और जो 240 एडीएम महोदय द्वारा जो जाँच कराए गए, जो पटवारी घर घर गए जाँच करने लेकिन गरीबों के घर के भीतर नहीं गए, जिनके कच्चे मकान थे, एक परिवार में 5-5 सदस्य निवास कर रहे हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, 2 कमरा बने हैं जिसमें 4 लोग निवास कर रहे हैं, उनके आवेदन निरस्त कर दिए कि तुम्हारा पक्का मकान है, लेकिन जो 313 की सूची आई है उनमें से कई हितग्राही अपात्र हैं, लेकिन उनको कुटीरें प्रदान कर दी गए, उनके परिवार के लोग 2 से 3 हज़ार रुपये दिन कमा रहे, 5 हज़ार रुपये कमा रहे, और उनको दे दिए कि जे किराए से रह रहे, जब किराए से रह रहे जिनके 500 के स्टाम्प पर लिखा पड़ी थी उनको अपात्र क्यों कर दिया गया, जिनके घर में 5 सदस्य थे उनको अपात्र क्यों कर दिया गया, जिनके गार्डर फर्जी के मकान थे उनको अपात्र क्यों कर दिया गया, और जो पात्र नहीं थे उनको पात्र कर दिया गया। आज ज्ञापन जो दिया उसमें एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? ज्ञापन दिया है, 8 दिन के अंदर यदि सुनवाई नहीं हुई तो राहतगढ़ बस स्टैंड पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। हमारा निवेदन है प्रशासन के 8 दिन के भीतर घर घर जाकर पात्र हितग्राही हैं वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक उनके नाम पात्र सूची में जोड़े जाए, उनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम शामिल किए जाएं, जो अपात्र उनके नाम काटे जाएं। पापा को नहीं लिख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।